वेलकम बैक टू माई चैनल कहीं दूर बाय मेघा कपूर। और इस वीडियो में मैं आपको मेरे चादर ट्रेक के सफर पे लेके चलने वाली हूँ। पार्ट वन में आपने देखा दैट हाउ वी रीच टिप केव डिस्पाइट हेवी स्नोफॉल ऑल डे। अब बस यही दुआ है कि कल मौसम साफ हो ताकि हम अपना समिट पूरा कर पाएं। So the entire group is happy because the minute we stepped out from our tents, we could see stars, sky clear है। Hopefully आज हम लोग समिट कर पाएंगे क्योंकि रात तक स्नोफॉल हो रहा था, बहुत डाइसी था। प्लान इज कि वी विल गो फ्रॉम हेयर टू नेरक एंड कम बैक टू टिप केव। So that means we'll have a really long day, almost 28 or 30 kilometers का distance आज हमें cover करना पड़ेगा। So finally it's summit time. My excitement and happiness reflected in my blood oxygen levels too. Sir, आज क्या क्या है breakfast में? चपाती, आटा भुजिया, और पूरी से। और breakfast करने के बाद हमारा group निकल पड़ा अपनी मंजिल की ओर। पर इस सफर में हम लोग अकेले नहीं हैं, हमारे साथ है एक बहुत ही स्पेशल मेंबर स्नोई। और स्नोई हम लोगों के साथ सिर्फ वॉक ही नहीं कर रहा बल्कि हमारे ग्रुप को लीड भी कर रहा है। पिछले दिन सुमो पलदार से 3 ग्रुप्स टिप के आए थे, लेकिन आज समिट के लिए सिर्फ 2 ग्रुप्स ही जा रहे हैं। 1 ग्रुप रिटर्न्ड ड्यू टू मेडिकल इमरजेंसी। आज हमें टोटल 28 किलोमीटर चलना है एंड द बेस्ट पार्ट इज वी आर वॉकिंग विदाउट हैवी बैकपैक्स। सो वी आर जस्ट कैरिंग अ डे पैक विद एसेंशियल क्लोथिंग एंड स्नैक्स। और मोस्टली लोगों ने बैकपैक्स कंबाइन कर लिए हैं, लाइक 2-3 लोगों ने एक ही बैकपैक बनाया है एंड वी ऑल आर शेयरिंग द लोड विद ईच अदर। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले गए चादर और ज्यादा चैलेंजिंग होती चली गई। और अगर हल्का सा भी इंक्लिनेशन आता है तो चलना ही मुश्किल है। पेंगुइन वॉक। And that's the beauty of चादर। मतलब आपको दिख रहा है, आपको पता है कि इतना challenging situation है, इतना fearful situation है, but then you acknowledge the situation and think what's next, आपको आगे क्या करना चाहिए, अगला कदम कहाँ रखना चाहिए, and that's how you overcome your fears. इस पूरे स्ट्रेच में बहुत सारे सेक्शंस थे जहाँ पे कंप्लीट चादर कवर था। बहुत सेक्शंस ऐसे थे जहाँ चादर टूटी हुई थी, नैरो थी, स्लिपरी थी, बट वी वर स्टिल एबल टू वॉक। लेकिन कुछ सेक्शंस ऐसे थे जहाँ पे चादर थी ही नहीं एंड वी हैड टू क्लाइंब द माउंटेन्स टू क्रॉस दोज सेक्शंस।
और अच्छी बात तो ये है कि वहाँ पे ऐसे माउंटेन्स थे जिनको क्लाइंब किया जा सकता था। अरे भगवान। हम बस चले जा रहे हैं एंड दिस इज़ द फर्स्ट ब्रेक दैट वी हैव टेकन वेयर पीपल आर हैविंग स्नैक्स बट अभी भी शायद एक घंटा और लगेगा आई थिंक 2.5 घंटे हो चुके हैं हमें चलते हुए। और सबसे क्यूट बात तो ये थी कि जिस जगह पे चादर नहीं होती थी वो वार्निंग्स स्नोई हमें पहले ही आके दे देता था। और तभी हमें टेंजिन ने क्रॉस किया जो हमारे लिए टिब से गरम गरम खाना बना के लेकर आया है। वी आर वेरी क्लोज, आई थिंक अनदर 10-15 मिनट्स। जस्ट वहाँ पे थोड़ा सा और take me away from home, show me all the places I've never known, and we'll chase the night, race all of these broken dreams in flight, and we'll fly. Finally, we all did it, and weather favored us. These mountains favored us. This river favored us. I think किसी ने सच ही कहा है, चादर पे everything freezes except your tears. Only by frozen memories. Lord.
Could you never travel without their food? Guju's famous methi bhaji thepla. और नेरक में 1.5-2 घंटे स्पेंड करने के बाद वी स्टार्टेड आवर जर्नी बैक टू टिप केव। स्नोफॉल के बाद आज पूरा दिन धूप थी, जिसकी वजह से रात में बहुत ही ज़्यादा ठंड है। इतने एक्सट्रीम कंडीशंस में आज मैंने 40,000 से भी ज़्यादा स्टेप्स कवर किए एंड एज अ रिजल्ट गॉट ब्लिस्टर्स ऑन माय फीट। गुड मॉर्निंग, इट्स वेरी कोल्ड टुडे, वेरी वेरी कोल्ड। आई थिंक टेम्परेचर इज ईजली बिलो -25। और आज हम लोग टिप केव से सुमो पलदार जाएंगे वापस। और जब तक मैं सुमो पलदार वापस पहुंची, तब तक मुझे ऐसा लगा कि मैं प्रो बन चुकी हूँ चादर पे चलने के लिए, इनफैक्ट भागने के लिए भी। पेंगुइन वॉक। और कैंप्स पहुंचते ही वी हैड अ वार्म वेलकम। खुशी हो जाए, सलामत आ गए। इट्स द वे ऑफ सेलिब्रेटिंग दैट एवरीबॉडी केम होम सेफली। किकी सोसो। कभी सोचा है कि नदी का क्या अस्तित्व है? पहाड़ों शिखरों से निकली, अपना रास्ता स्वयं बनाते हुए सागर की ओर चली। क्या बस यही सफर है नदी का? तो इस पे नदी ने कहा, कहने को तो मैं केवल एक नदी हूं, पर मेरे रूप हैं अनेक। आसमान पे छाए बादल हूं मैं, पहाड़ों पे हिम के ताज भी मैं। अंबर से बरसता अमृत हूं मैं, शांत भी मैं और रुद्र भी मैं। मैं ही हर कण कण में, मैं ही हर जीवन में। धरा के भीतर की नमी हूं मैं, हवा में समाई अदृश्य हूं मैं। अक्षु भी मैं और विशाल महासागर भी मैं। ये प्रकृति मेरा ही प्रसार है, हर जीव में मेरा ही आधार है। देखना चाहो तो सब में मुझे ही पाओगे, और ना देखना चाहो तो सिर्फ एक नदी कहके ही बुलाओगे, नदी कहके ही बुलाओगे। इट्स अमेजिंग मोमेंट, अमेजिंग ट्रिप एंड अमेजिंग टीम। सो गुड लक, चीयर्स टू ऑल। इफ यू आर एन एडवेंचरर प्लीज ट्राई दिस। Keep focus and keep your patience. That's all done. Extremely ecstatic feeling and a huge shout out to the team that we did it so fast. I didn't need to care about food, fuel, organization, itinerary. So I just needed to track. So it was really enjoyable for me. I hope aapko ye video pasand aaya hoga aur aise interesting videos ke liye mere channel Kahin Dur by Megha Kapoor ko subscribe karna na bhule। और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें।